आपने 3x3 में ये वाला पैटर्न तो ज़रूर ही देखा होगा, क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न लगता है, दोनों साइड ऐसा लगता है कि शिफ्ट हो गया। तो आज हम इस पैटर्न को हम मिरर क्यूब में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिरर क्यूब में ब्लॉक्स होते हैं और डिफरेंट 3x3 होता है बेसिकली, तो बन तो सकता है इसमें क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। तो पहले मैं आपको इस नॉर्मल वाले में बता देता हूँ, एल्गोरिथम ऊपर फ्लैश हो रही होगी यहाँ पर कहीं, ये बन गया हमारा क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। ऐसा लगता है कुछ काफ़ी प्यारा लगता है, और इसे आप क्यूब इन अ क्यूब भी कर सकते हो, ऐसे ट्विस्ट कर दोगे तो ये क्यूब इन अ क्यूब हो जाएगा ऐसे। तो चलिए बनाते हैं इसमें। तो पहले डिसाइड करना पड़ेगी कौन सी साइड पे हमें क्यूब इन अ क्यूब चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस वाले में तुम्हें, इस वाले में भी, इस वाले में कर सकते हैं वैसे, इस वाले में, ये वाला। तो सब पहले इस वाली साइड में करते हैं। ये बन गया हमारा क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। कितना अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है क्यूब ही निकल गया, और इस साइड से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन सी बन चुकी है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है इन शॉर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जल्दी से जल्दी हमें 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। टिल देन बाय बाय, गुड बाय।